टैली की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और टैली की एडवांस क्लास चल रही है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, यानी चैप्टर 5, जिसका नाम है कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। देखो, यहाँ प्रॉफिट का मतलब लाभ है और कॉस्ट का मतलब ये है कि हम उस लाभ को कमाने के लिए, ये बताओ, अगर हम कोई लाख कमाना है तो उसके लिए हम कुछ खर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे। मान लो हमारे हमको हमारी कंपनी की एक डील आई है 50 या 55 करोड़ की, लेकिन उसके लिए मुझे एक जगह पे जाना है ताकि वहां से जाके वो डील अपने नाम पे ले लें हम, मतलब अपनी कंपनी के लिए वो डील हम क्या करें, एक्सेप्ट कर पाए। तो एक हमारी जर्नी होगी, जर्नी में खर्चे भी होंगे, तो क्या है वो कॉस्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉस्ट कहलाएंगे, यानी क्या कॉस्ट लगा और कितना प्रॉफिट कमाया, इसका मैनेजमेंट करना। हाँ, चूंकि इसमें टीम वाली भी बात की जाएगी। जैसे आप व्यापार चला रहे हैं तो आपके अंदर भी बहुत सारी टीम होती है, कोई टेक्निकल टीम होती है, कोई सेल्स टीम होती है, कोई मैनेजमेंट टीम होती है, बहुत सारी टीमें होती हैं। तो वो भी इस चैप्टर में जिक्र किया जाएगा उन टीम के बारे में। और उसमें भी होता है ना, जैसे कि यहीं पे है कई टीम है, एक सॉफ्टवेयर ट्रेनर है, हम लोग क्या है, सॉफ्टवेयर ट्रेनर है, और लैब में क्या है, लैब असिस्टेंट है। तो दो टीम हो गई कि नहीं हो गई। अच्छा, सैलरी में अंतर भी होगा, होगा कि नहीं होगा, खर्चों में भी अंतर होगा। अगर खर्चा सर हम लोग को दें तो हम लोग थोड़ा ज्यादा देंगे उनकी अपेक्षा, देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग की टीम की थोड़ी सी वैल्यू अलग है, लेवल अलग है। वही सारी चीजें यहाँ पे भी होगी। अगर दो टीम आपके अंदर में है, दो तीन चार टीम जो भी है, तो उसमें एक को थोड़ी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, एक को थोड़ी कम, और लास्ट वाले को सबसे कम, यही ना, लेकिन होगी सबके लिए। वही सब बातें यहाँ पे। चलिए पढ़ते हैं। कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी संस्था की बात कर रहा है। इट इज द क्रूशियल टू कीप द ट्रैक एक्सपेंस इंक्लूड एंड प्रॉफिट अर्न, मतलब बहुत ही क्रूशियल का मतलब घातक या कठिन कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, जगह पे अलग अलग होता है। क्रूशियल का मतलब घातक भी होता है, बहुत क्रूशियल यानी बड़ी गंभीर गंभीर बात है। हाँ, क्रूशियल टू कीप ट्रैक द एक्सपेंसेस इंक्लूड एंड द प्रॉफिट अर्न, मतलब जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं या जो प्रॉफिट आपने अर्न किए हैं उनको ट्रैक करना, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना बहुत ही कठिन हो गया माना जा रहा है आज के टाइम बाई ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक डिपार्टमेंट के द्वारा। कराया द ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड आउट द राइट डिटेल, और सारे जो भी संस्थाएं हैं वो चाहती हैं कि हम अपने एक्सपेंसेस या प्रॉफिट को ट्रैक करें, ताकि तभी तो अंतर लगा पाएंगे कि हम कितना रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं अपने व्यापार में, बिजनेस में है। जैसे कि मान लो अगर हम कह रहे हैं कि हमारा 75 लाख रुपए इस महीने में जमा हुआ है, 75 लाख रुपए, तो हम 75 लाख इनकम नहीं मानेंगे ना। उस 75 लाख को पाने के लिए कितने पैसे हमने खर्च किए, क्या क्या किए, है ना, तो सारे पैसे घटाने पड़ेंगे। उसके बाद जो पैसा अच्छा बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। वही सारी बात है। अब तो कह रहा है क्या ट्रैक करने के लिए होता है, जैसे कि लाइक विच डिपार्टमेंट अर्निंग प्रॉफिट, मतलब ये पता लगाना कि किस डिपार्टमेंट ने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया या किस डिपार्टमेंट ने ज्यादा एक्सपेंस किया। होता है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो किसने ज्यादा अर्न किया, कितने कितनी ज्यादा एक्सपेंस किया, ये सारा पता लगाना होता है इस ऑप्शन के द्वारा। अच्छा, कह रहा है आंसर द अबव क्वेश्चन विल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन मेकिंग राइट डिसीजन, और ये सारी चीजों का पता लगाना, यानी सारा ब्यौरा तैयार रखने से होता क्या है कि आप अपने व्यापार के प्रति एक सही डिसीजन ले सकते हैं, उचित निर्णय ले सकते हैं। भाई तरीका पता होगा, चीजें एग्जैक्ट पता होगी, तभी तो निर्णय ले पाएंगे कि हम भविष्य में क्या करें या अभी क्या करें इस चीज को सुधारने के लिए। कर इन टैली प्राइम वी कैन एलोकेट द एक्सपेंसेस एंड द इनकम टू द यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है वी कैन एलोकेट द एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस और इनकम की बात किया गया है एक संस्था के द्वारा। द यूनिट वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्या क्या एग्जांपल दिए हुए, डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, कंपनी हो गया, या इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या है, खुद के लिए, सेल्फ की बात होती है, ठीक है, स्वनिर्भर। कह रहा है वी कैन कॉन्फिगर एंड मेंटेन द कॉस्ट एलोकेशन, तो इस ऑप्शन के लिए हमें कॉन्फिगरेशन करना पड़ता है, और इस ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। कह रहा है इन टैली प्राइम वी आर इजी एंड द रिपोर्ट गेट जनरेटेड इंस्टेंटली, यानी कि इसमें क्या होता है, जल्दी से रिपोर्ट तैयार हो जाता है आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटेड कॉल सेंटर। जो भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं कॉल सेंटर के, वो जल्दी से आप क्या करते हैं, इंस्टेंटली रेडी कर लेते हैं, तैयार कर पाते हैं, अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तब। अब कह रहा है कि कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी होता क्या है। कह रहा है कॉस्ट सेंटर इज एनी यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू विच ट्रांजेक्शन कैन बी अलोकेटेड, मतलब जिससे ये क्या है, एक यूनिट मान सकते हैं, जिससे ये पता चल पाता है कि आपके व्यापार में कितने खर्चे किए गए हैं। कॉस्ट सेंटर क्या करता है, यही बताता है
कितने खर्चे, प्रॉफिट सेंटर क्या करेगा कि लाभ कितना है ये बताएगा। कह रहा है व्हेन ओनली कॉस्ट और एक्सपेंसेस आर लोकेटेड दी यूनिट दे आर रेफर्ड कॉस्ट सेंटर। अगर केवल एक्सपेंसेस की बात आ रही है तो कॉस्ट सेंटर बोलेंगे, और प्रॉफिट की बात आ रही है तो प्रॉफिट सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट सेंटर बोलेंगे। ये कह रहा है टैली प्राइम कॉस्ट सेंटर अलाउ द डाइमेंशनल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो कह रहा है जो कॉस्ट सेंटर का है वो क्या अलाउ करता है कि एक आप एनालिसिस करते हैं, मतलब एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना किसी बारे में, विश्लेषण का मतलब उसके बारे में जानना, जानकारी रखना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी वित्तीय जानकारी की बात की है फाइनेंशियल। टैली प्राइम गिव द कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एज वेल एज डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर ईच कॉस्ट सेंटर एंड ऑल्सो गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर द पर्टिकुलर यूनिट प्रोडक्ट विल अंडरगोइंग द लॉस और बर्निंग प्रॉफिट। मतलब कि जो कॉस्ट सेंटर है वो आपका क्या हेल्प करता है ये बताने के लिए करता है, कि सारी डिटेल आपको मौजूद करता है कि आपने कितना एक्सपेंसेस किया है, और आपको ये और भी सुविधाएं प्रदान करता है, कुछ और इंफॉर्मेशन भी प्रदान करता है जैसे किसी यूनिट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, या इंडिविजुअली आपको ये बताता है कि कितनी प्रॉफिट अर्न हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें करा है। फॉर एग्जाम्पल इन ए कंपनी देयर आर टू डिपार्टमेंट। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई कंपनी है उसमें दो डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट है? दो डिपार्टमेंट। हु विल बी द फील्ड कैरी ऑन देयर वर्क लाइक सीनियर टेक्निकल टीम एंड सीनियर सेल्स टीम। यानी दो टीम है आपके अंडर में, एक टेक्निकल टीम है और उनकी क्या है सेल्स टीम है। दिस टीम आर इन कर्नाटक लोकेशन। और ये दोनों टीम कहाँ है? कर्नाटक लोकेशन पे है, एज इज आई दिल्ली लोकेशन में, दो लोकेशन पे है आपके दिल्ली में और कर्नाटक लोकेशन पे है। कंपनी विल बी इंक्यूरिंग द ट्रेवलिंग एंड फूड एक्सपेंसेस इट विल जनरेटेड अ सेल्फ जर्नी फ्रीक्वेंट बेसिस। मतलब कंपनी क्या करता है, आपको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस और फूड एक्सपेंसेस भी प्रोवाइड करता है। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आप कहीं जाएंगे तो आपके बस का किराया, ट्रेन का किराया, खाने का, रहने का, हर चीज कंपनी अफोर्ड करती है। समझ रहे हैं? कौन अफोर्ड करता है? कंपनी अफोर्ड करती है। ठीक है, यही बात यहाँ पे कहा। और क्या कहा है? थोड़ा जूमिंग कम कर दिया जाए। अबर कह रहा है कि कंपनी विल बी इंक्योरिंग द ट्रेवलिंग, ये तो हो ही गया। इफ द कंपनी वांट टू नो, अगर कंपनी जानना चाहती है हाउ द ट्रेवलिंग वेयर एंड फूड एक्सपेंस स्पेंड एंड बाय व्हिच टीम रेवेन्यू वाज जनरेटेड। और मतलब ये करती है कंपनी, क्या करती है, ये पता करती है कि किस किस टीम ने ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे क्या खर्च किया है, हाँ, और उनकी रिवेन्यू क्या हुई है, इनकम क्या हुई है, ये सारा चीज जनरेट करना यही काम होता है। फिर एग्जांपल आप कॉस्ट सेंटर दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये लोग ज्यादातर इन चीजों का यूज करते हैं। कौन कौन? फाइनेंस वाले यूज करते हैं। फाइनेंस में होता नहीं, लोग अपना इंप्लाई दौड़ाता है कि जाइए एक दिन भर में एक फाइनेंस करके जाइएगा, हाँ, एक फाइनेंस कराइएगा, वही सारी चीजें। मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये ज्यादातर लोग डिपार्टमेंट यूज करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी लाइक एलजी वॉशिंग मशीन, सैमसंग वॉशिंग मशीन, ये भी करता है, ये भी सेल्समैन लगता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल किया जा सके। या इंडिविजुअल लाइक सेल्समैन प्रकाश एंड सेल्समैन कार्तिक, दो सेल्समैन की बात की गई है, प्रकाश और कार्तिक की। चलिए कॉस्ट कैटेगरी के बारे में जान लेते हैं। कह रहा है कॉस्ट कैटेगरी आर यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट कैटेगरी क्या है? किसी भी संस्था के लिए उपयोगी है, आवश्यक है। That required allocation of revenue and non-revenue item, मतलब कि वहाँ ऐसे आइटम जिसपे revenue है या नहीं है उनकी बारे में बात किया जाता है parallel तरीके से, समांतर, है ना। Cost category facilitate the third dimensional reporting of expenditure. Expenditure का मतलब खर्च होता है, and revenue यानी income, revenue का मतलब क्या होता है? Income, expenditure का मतलब क्या होता है? Expense होता है, ठीक है, इनके बारे में वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड कॉस्ट कैटेगरी आर द डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनी कॉस्ट सेंटर, हेंस ईच कॉस्ट सेंटर है पार्टिकुलर कैटेगरी। इसलिए सारे कॉस्ट सेंटर की एक अलग अलग कैटेगरी रखी गई है ताकि उनको वर्गीकरण किया जा सके, क्लासिफिकेशन किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी हैव डिफरेंट ब्रांचेज लाइक वन ब्रांच इस कर्नाटक और दूसरा ब्रांच है, अभी ऊपर डिस्कस हुआ है ना दिल्ली और कर्नाटक लोकेशन की, तो क्या है कर्नाटक लोकेशन और दिल्ली लोकेशन? एक ब्रांच है, क्या है? ब्रांच है, ठीक है। अब क्या क्या डिपेंड इसमें दिया हुआ है कॉस्ट कैटेगरी में, रीजन वाइज या जियोग्राफी वाइज कर सकते हैं, इम्प्लाई वाइज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस फीचर को इनेबल करना पड़ेगा और वो चीज करना पड़ेगा हमें। चलिए कर लेते हैं।
दो टीम दिया हुआ है, सेल्स टीम जिसमें महेंद्र और जितेंद्र दिया हुआ है, और एक दिया है टेक्निकल टीम। ठीक है, अब बिजनेस सिनारियो दिया हुआ है, बिजनेस सिनारियो आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट कैसे करेंगे, वही फीचर में जाके तो मोर फीचर में इनेबल कर लेंगे कॉल सेंटर को। ठीक है, सबसे पहले कंपनी ओपन कर लिया जाए, सिर्फ इनेबल कर लीजिएगा। किस नाम से था, श्री देवी चैप्टर टू ना। चलिए अब क्या दबाएंगे यहाँ पे, पहले देख लीजिए क्रिएट में आइए, देखिए कहीं कॉस्ट सेंटर काट कैसे नहीं दिख रहा है। हाँ नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है, इसके से पीछे है या फिर इलेवन दबाइए, क्या दबाइए, सो मोर फीचर को इनेबल कर लीजिएगा, या फिर यहीं पे दिख रहा है आप सर इनेबल कॉस्ट सेंटर, या फिर दोनों फीचर को यस भी कर लीजिएगा वैसे। ठीक है, यही ऑप्शन मिल जाएगा आपको इनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको क्या करेंगे, यस कर लेंगे, इंटर कर लेंगे, इंटर करने के बाद कंट्रोल से क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपके लिए मैं देखिए इसमें कुछ चीजें पढ़े देखे होंगे, पढ़ा है कॉस्ट सेंटर, देखिए पढ़ गया नहीं, पढ़ गया, इससे पहले नहीं था अभी आ गया कॉस्ट सेंटर, आया कि नहीं आया, आई थिंक उसमें बताया भी होगा, और यही बनाना है आपको। ठीक है, यही बनाना है आपको कॉस्ट सेंटर, दो टीम बनानी है, सेल्स टीम और टेक्निकल टीम, कॉस्ट सेंटर और सब कॉस्ट सेंटर क्या बनेंगे, महेंद्र जितेंद्र, तो गेटवे ऑफ टेली में जाना है, और सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सेल्स टीम बनाना है, टेक्निकल टीम बनाना है, कहाँ जाना है, सेल्स टीम और टेक्निकल टीम, अकाउंटिंग कॉस्ट सेंटर में जाइए, कॉस्ट सेंटर में आइए और दो टीम बना लीजिए, बना लीजिएगा सेल्स टीम, इंटेंट अगर के एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और ये बना लीजिएगा टेक्निकल इंटेंट करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बस हो गया। ठीक है, सेल्स टीम और टेक्निकल टीम हो गया ना, ठीक है, दोनों का प्राइमरी रहेगा। अब चाहे तो आप मल्टी क्रिएट कर सकते हैं, और सेंटर में आएंगे, अब दिया हुआ है चार आप अकाउंट में आए, मल्टी क्रिएट कर लीजिए आप लोग, क्या क्या है, महेंद्र कॉस्ट सेंटर का नाम, महेंद्र जितेंद्र जो भी है, तो आप यहाँ पे आइए, इसके से पीछे चार्ट्स आप अकाउंट में आ जाइए, और कहाँ जाएंगे, कॉस्ट सेंटर तो हो गया हमारा, हाँ अब क्या बनाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉस्ट सेंटर ही है क्या यहाँ, एक सेकंड भेजिएगा, कॉस्ट सेंटर ही है भैया, ठीक है आ गए कॉस्ट सेंटर में, कॉस्ट कैटेगरी में क्या आ रहा है, नहीं ये दूसरा है, ये दूसरा है, कॉस्ट सेंटर ही आइए, कॉस्ट सेंटर दिख रहा है ना, कॉस्ट सेंटर में, और यहाँ क्या दबाइएगा, अल्ट एच दबा लीजिएगा, क्या दबा लीजिएगा, सुन लीजिए पहले तो नॉर्मली बना लीजिए क्रिएट में जाके ना, पहले क्रिएट में आए हैं, कॉस्ट सेंटर में गए हैं, और दो बना लिए क्या, सेल्स टीम और टेक्निकल, दो टीम बना लिए ना, अब इसके से पीछे आइए और आ जाइए कहाँ पे, वाउचर सॉरी चार्ट्स आपके अकाउंट में, और कहाँ पे कॉस्ट सेंटर में, और यहाँ पे मल्टी क्रिएट करने के लिए क्या दबाते हैं, अल्ट एच, याद आ रहा है ना, और मल्टी क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ ले लीजिएगा नाम, नाम लिखा हुआ है ना, पहले है महेंद्र और जितेंद्र, पहले महेंद्र, महेंद्र महेंद्र किस टीम में है, किस सेल्स टीम में, उसके बाद जितेंद्र किस टीम में है, सेल्स टीम में, फिर इंटर करेंगे, उसके बाद क्या है, प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश रहेगा आपका टेक्निकल टीम में, उसके बाद रहेगा शेखर किस टीम में है, टेक्निकल टीम में, देखिए चारों बन गया कि नहीं बन गया, बस यही करना है आज की बात, बस देखिए सेल्स टीम में दो लोग और टेक्निकल टीम में दो लोग, बन गया, बन के तैयार हो गया, यही बनाना है आपको। सबसे पहले फीचर इनेबल करना है, फीचर इनेबल करने के बाद क्या करना है,
नहीं हो तो अभी जाके प्रैक्टिकल जो अभी कर दूंगा, प्रैक्टिकल अभी फरिया लीजिएगा ठीक है, क्योंकि ट्रिपल क्लास करने के बाद प्रैक्टिकल नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।